हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑल इन वन ओपी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको एक नए लैपटॉप के बारे में कुछ बताने जाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर ही रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं हमेशा नए वीडियो आप लोगों के लिए आते रहूँ। दोस्तों देखिएगा, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों ये देखिए नया लैपटॉप है, जो कि डेल XPS 13 कोर i5 है, 5th जनरेशन। ये लैपटॉप आपको दिख रहा होगा दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने। ये देखिए लैपटॉप, ये डेल का लैपटॉप है, 6th जनरेशन है। इसका आपको प्राइस पड़ जाएगा 1,11,000 रुपया। i5 लैपटॉप है दोस्तों, 6th जनरेशन, 1,11,000 रुपया का, डेल का है, XPS 13 इसका मॉडल है, कोर। बहुत ही अच्छा लैपटॉप है दोस्तों। अभी ये नया नया लैपटॉप आया है, इसका मैं आपको डिफरेंट लुक दिखा देता हूँ। ये राइट साइड का है, राइट साइड से ऐसा दिखता है। उसके बाद ये लेफ्ट साइड से देख लीजिए, ये लैपटॉप है आपके सामने, लेफ्ट साइड का ये देख लीजिए, ये अडेप्टर, इंटरनेट केबल, ये सब लगाने के लिए दिया गया है। उसके बाद ये देखिए लैपटॉप, ये लैपटॉप में 256 GB SSD है। SSD मतलब हार्ड डिस्क होता है, ये दूसरा तरह का हार्ड डिस्क होता है जो कि फास्ट काम करता है। 256 GB है। किसी का भी लुक देख सकते हैं आप, व्हाइट कलर में है ये, असली में इसका कलर सिल्वर बोला जाता है। उसके बाद देख लीजिए, ये देखिए इसका जो है, इसके अंदर लैपटॉप में 8 GB रैम है, DDR3 रैम है, DDR3 रैम है 8 GB का इस लैपटॉप में। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं इसके कुछ फीचर्स भी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो नॉर्मल फीचर्स वो मैं आपको बता रहा हूँ। Windows 10 लगा हुआ है, Windows 10 Home लगा हुआ है, और इसका जो साइज है लैपटॉप का 13.3 इंच है, और लगभग इसका वेट जो है 1 किलो 29 ग्राम, 290 ग्राम, तो ये वेट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से मैं आपको कुछ इसके स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ कि ये जब आप लैपटॉप खरीदेंगे तो उसके पैकेट में आपको क्या मिलेगा। लैपटॉप मिलेगा, बैटरी मिलेगा, एडेप्टर मिलेगा, और वारंटी का डॉक्यूमेंट मिलेगा, जो भी 1 साल का वारंटी होगा। आप फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे तो आपको 1 साल का वारंटी मिलेगा, ऑनलाइन खरीदेंगे तो, और आप कहीं रिटेलर से खरीदते हैं तो आप उसकी बात अलग है। मॉडल नंबर जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि XPS 13 है। उसके बाद ये देखिए पार्ट नंबर है, ये लैपटॉप का स्पेशल होता है। उसके बाद मॉडल नेम XPS है, सीरीज XPS 13, वही मॉडल नंबर, कलर सिल्वर कलर में ये लैपटॉप है। और ये लैपटॉप का टाइप है, बहुत ही पतला है और लाइट लैपटॉप है, मतलब कि लाइटिंग है, शो करता है, हल्का लैपटॉप है। उसके बाद ये देखिए किस चीज़ के लिए सुटेबल है, मतलब कि आप बिजनेस में का वर्क करते हैं, एंटरटेनमेंट, गाने वगैरह सुनते हैं, मतलब कि गेम वगैरह के लिए वो नहीं है, गेम के लिए अलग लैपटॉप आता है। ट्रेवल मतलब कि कहीं जा रहे हैं ले जाने के लिए, मतलब नॉर्मल यूज के लिए लैपटॉप। इसका बैटरी में 4 सेल है। उसके बाद देख लीजिए इसके प्रोसेसर के बारे में आपको बता देता हूँ, प्रोसेसर, मेमोरी, मेमोरी क्या क्या है, रैम वगैरह, यही सब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था 8 GB रैम है नॉर्मल फीचर्स के माध्यम से। उसका रैम टाइप आपको बता दिया था कि DDR3 रैम है, और स्टोरेज कैपेसिटी बता दिया था 256 GB SSD है, HDD नहीं है, हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं है, SSD है ये 256 GB। और इसके बाद प्रोसेसर जनरेशन बताया, 6th जनरेशन है, वही i5 कोर है, इंटेल का है। उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें देखिए Windows 10 Home लगा हुआ है, मैं आपको पहले भी इसके बारे में बताया हूँ। 64 बिट का है, Windows 32 बिट और 64 बिट होता है, 64 बिट ज़्यादा पावरफुल होता है, और इसलिए ये विंडोज़ ज़्यादा स्पेस भी खाता है कंप्यूटर में जब ये इंस्टॉल होता है। तो ये ओरिजिनल विंडोज लगा हुआ है, इसमें Windows 10 Home लगा हुआ है। उसके बाद ये देख लीजिए, ये थोड़ा स्पीड वगैरह है, 2.3 GHz क्लॉक स्पीड है, टर्बो बूस्ट है इसमें, वही मेमोरी स्लॉट, मतलब कि आप इसमें रैम एक ही लगा सकते हैं, और वो भी 8 GB का ऑलरेडी लगा हुआ है। चेंज भी करेंगे तो आपको वो वाला हटाना होगा रैम, तो फिर दूसरा लगा सकते हैं। मतलब कई बार होता है लोग की 8 GB रैम दिया, किसी को ज़्यादा रैम का जरूरत पड़ता है किसी स्पेशल वर्क के लिए, तो वो रैम को बढ़ाते हैं, तो उसके लिए आपको रैम चेंज करना पड़ेगा, आपको दूसरा स्लॉट नहीं मिलेगा। तो यही बात है, रैम फ्रिक्वेंसी 1866 MHz, यही सब है। ग्राफिक प्रोसेसर, ग्राफिक्स का भी बता दिया है, 500 HD ग्राफिक्स है, इंटेल का ग्राफिक्स लगा हुआ है इसमें। उसके बाद ये देखिए यूएसबी पोर्ट, मतलब कि इसमें 3.0 का 2 USB पोर्ट है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा ये है क्या, मतलब कि आप जहाँ पेन ड्राइव लगाते हैं, 3.0 का 2 USB पोर्ट है, 3.1 का 1 USB पोर्ट है, मतलब कि ज़्यादा पावरफुल USB, मतलब कि पेन ड्राइव वगैरह लगाना चाहे कोई भी चीज़ें, कार्ड रीडर वगैरह, तो आप लगा सकते हैं, जो कि ज़्यादा मतलब कि और फास्ट वर्क करेगा, 3.1 वाला बहुत फास्ट वर्क करेगा, और टाइप सी भी है ये। और इसके बाद देख लीजिए यही सब है, कार्ड रीडर भी लगा सकते हैं इसमें। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, लुक भी अच्छा है,
आशा करता हूँ आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। आपको मैंने इसका लुक भी बताया था पहले, ये देख लीजिए सामने का लुक है। तो दोस्तों आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आशा करता हूँ अभी तक सब्सक्राइब आप कर दिए होंगे। तो मैं ऐसे ही हमेशा नया वीडियो लाते रहूँगा। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर कोई क्वेश्चन इस लैपटॉप को लेके तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई देने के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।